अब ये देखें कि ये एक तरफ है कि हमने पाकिस्तान में ये ख्वाब देखा था कि पाकिस्तान एक एशियन टाइगर बनेगा, एशियन टाइगर असा कट्टा ते साहब बनना ही असी पुठे जड़ा ना वो मंगन ते आ गए। ठीक है, हम मांगने पे आ गए हैं, गली गली सड़क सड़क मोहल्ले मोहल्ले पे मांग रहे हैं, और वो जो है इंडिया जो है वो G20 का जो है वो इस वक्त लीडर बन गया। ठीक है, और प्रेसिडेंसी उसके पास आ गई है। रिसेंटली रशिया के प्रेसिडेंट प्यूटन ने प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की बहुत तारीफ की है और ये कहा है कि वो अपने कंट्री से प्यार करने वाले प्राइम मिनिस्टर हैं। और दूसरी तरफ पे बड़ी बात ये है कि इमरान खान साहब की अगर बात की जाए, जो आए दिन इंडिया को लेकर कोई मुख्तलिफ मतलब स्टेटमेंट देते रहते हैं, वो भी मजबूर हो चुके हैं कि इंडिया की जो गवर्नमेंट है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट है, उनकी तारीफ करने पर मजबूर हो चुके हैं। ऐसी क्या वजह है उनकी पॉलिसीज में, ऐसी क्या वजह है उनकी गवर्नमेंट में, और ऐसी क्या वजह है उनके जो एक फॉर्मूला है उसके अंदर के सारे दुनिया दोस्त तो दोस्त दुश्मन भी तारीफ करने पर। दोस्तों यहाँ पाकिस्तान में तो लड़ाइयाँ खत्म नहीं होती और एक दूसरे के जिन्होंने पंजाबी कहते हैं ना कपड़े पाट दे रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट बताऊं कि जो इंडिया है वो डेवलपिंग नेशंस का जो एक प्लेटफॉर्म है G20, ठीक है, नॉट डेवलपिंग नेशंस, इसमें डेवलप्ड नेशंस भी हैं, लेकिन इंडिया G20 की जो लीडरशिप है वो इस महीने ले रहा है इंडोनेशिया से। इंडोनेशिया का जो एक आइलैंड है बाली, वहाँ पे इस महीने जो है G20 की मीटिंग हो रही है, और एक बहुत बड़ी जारी बात है, ये डेवलपमेंट है। मैं आपको बताता चलूँ, जो G20 का ग्रुप है, जो G20 ममालिक हैं, उसकी जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, GDP जो है वो 85% है। टोटल दुनिया की जितनी टोटल जीडीपी, जितना टोटल पैसा पैदा होता है, जीडीपी जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, उसका 85% इन मुल्कों में पैदा होता है, और इंडिया उसकी लीडरशिप करने लगा है इस महीने से, और आई थिंक एक साल के लिए होती है। और दुनिया की 60% आबादी इस G20 के अंदर है, और आप समझ लें कि दुनिया की 3/4 ट्रेड, अगर 100% ट्रेड होती है तो 75% ट्रेड जो वो जीडीपी जो है वो इस ग्रुप के दरमियान होती है। अब इंडिया को जब ये मौका मिलने लगा लीडरशिप, तो वो क्या करने लगा है, इंडिया ने प्लान किया है कि वो बांग्लादेश को, इजिप्ट को, मॉरिशियस, नाइजीरिया और ओमान को, और सुनने में आए थे आई थिंक यूएई वगैरह को भी वो इनवाइट कर रहा है एज ए, और उनको जो इस अगले साल जो डिस्कशन होनी है उसमें। ठीक है जनाब, अब ये देखें कि ये एक तरफ है कि हमने पाकिस्तान में ये ख्वाब देखा था कि पाकिस्तान एक एशियन टाइगर बनेगा, एशियन टाइगर असा कट्टा ते साहब बनना ही असी पुठे जड़ा ना वो मंगन ते आ गए। ठीक है, हम मांगने पे आ गए हैं, गली गली सड़क सड़क मोहल्ले मोहल्ले पे मांग रहे हैं, और वो जो है इंडिया जो है वो G20 का जो है वो इस वक्त लीडर बन गया। ठीक है, और प्रेसिडेंसी उसके पास आ गई है। ये वो मैं डिफरेंस बताना चाहता हूँ, ये वो डिफरेंस है हम, क्योंकि ना तो पॉलिटिकल लीडरशिप, ना इमरान खान को टेन्योर कंप्लीट करने दिया गया, ना नवाज शरीफ को कंप्लीट करने दिया गया, ना उससे पिछलों को टेन्योर कंप्लीट करने दिया गया, किसी को टेन्योर तो कंप्लीट करने नहीं दिया।